सुधा तुम यही ठहरो, मैं स्कूटर लेके अच्छा। आता हूँ। एक्सक्यूज मी, कहिए। क्या बता सकती है ताजमहल का कौन सा रास्ता जाता है? ताजमहल? जी हाँ। शाहजहाँ ने ताजमहल को आगरा में बनाया है, यहाँ नहीं। मैं उस ताजमहल के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो उस ताजमहल के बारे में पूछ रहा हूँ जो इस शहर में है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। ओके मैडम, थैंक यू। ओके। कौन था ये आदमी? पता नहीं, कोई पागल लगता है। इस शहर में ताजमहल ढूंढ रहा था। ताजमहल और इस शहर में? मैंने कहा जनाब ताजमहल यहाँ नहीं आगरा में है, तो कहने लगा मुझे उस ताजमहल का पता दीजिए जो इस शहर में है। कोई दीवाना नहीं होगा, चलो बैठो। पोस्टमैन। भैया। अरे मुन्नी तू अचानक कैसे आ गई? अंदर आना, अंदर आ। भैया मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप और विशाल भैया भी बहुत खुश होंगे। जानते हो भैया, वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। और माता पिता का प्यार क्या है, मैंने अपने सास ससुर से जाना। भैया मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। ये सब तेरे कर्मों का फल है बहन। हाँ भैया, एक खास बात, तुम मामा बनने वाले हो। तुम्हारी सुधा। मैं मामा बनने वाला हूँ? देख मुनि, तुम लोगों से मेरा झगड़ा क्यों ना हो जाए, अपने भंजे को ना मैं ही पालूंगा और तुम लोगों से ज्यादा प्यार करूंगा। हाँ भैया, किससे बातें कर रहे हो? अपनी मुन्नी से। और कि कहाँ चली गई? अभी तो यही बैठी थी। भैया मुन्नी खुद नहीं आई, उसकी चिट्ठी आई है। हाँ चिट्ठी आई है, और मुझे ऐसा लगा कि वो खुद चली आई। ए विशाल, जानता है मुन्नी माँ बनने वाली है, हम दोनों मामा बनेंगे। अरे इसमें रोने की क्या बात है, तुझे तो खुश होना चाहिए। भैया रो मैं नहीं रहा हूं, आप रो रहे हैं। हाँ भगवान कभी कभी इतनी खुशियां एक साथ दे देता है, आंसू रुकते नहीं रहे, छलक ही जाते हैं। अनिल, मैंने पिछले जन्म में जरूर मोतियों का दान किया होगा, इसलिए मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले। और मैं? कोई पाप किया होगा इसलिए तुम मिले। तेरी तो। चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है, माँ जी इंतजार कर रही होगी। अरे पगली, माँ ने तो जानबूझकर तुम्हें मेरे साथ भेजा है। ऐसा क्या, तो अब माँ जी की शराफत का ज्यादा फायदा मत उठाइए, चलिए यहाँ से, चलिए। मैं हनीमून आइसक्रीम लेके आता हूँ, उसके बाद चलते हैं। ओके। हेलो मैडम। हेलो, तुम? जी मैं। ताजमहल मिल गया क्या अभी तक ढूंढ रहे हो? थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। क्या वो फिर ताजमहल का पता पूछ रहा था? और क्या, वाकई दीवाना लगता है। दीवाना विवाना नहीं, मुझे तो कोई चोर उचक्का लगता है। खैर छोड़ो भी। राम प्रसाद, तुम्हारी बहू की चिता पर लकड़ियां बिछाने का काम पूरा हो गया है। हाँ, अगर तुम उस ताजमहल वाले लड़के का फोटो उसकी चिता पर रख दोगे तो समझ लो उसका अंतिम संस्कार हो गया। वो कैसे? यही तो मेरे स्कूल का स्टाइल है। ये फोटो लो, इसे अपनी बहू की अलमारी में कपड़ों के बीच में रख देना, तुम्हारा बेटा खुद ब खुद इसे देख लेगा। पुराने प्रेमी का बहुत बहुत प्यार।
चलिए मैं तैयार हो गई हूँ। अरे ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? जल्दी कीजिए ना, देर हो जाएगी पिक्चर के लिए। अरे आपकी आंखें इतने लाल क्यों? यूं ही आंख में कचरा पड़ गया। लाइए मैं निकाल देती। रहने दो, आंख से कचरा तो निकाला जा सकता है, लेकिन अगर वही कचरा आंख की पुतली को घायल कर दे तो पूरी आंख ही निकालनी पड़ती है। ये आप कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आज? हाँ खैर छोड़ो। अरे हाँ, कल रात तुम कह रही थी कि तुम मायके जाना चाहती हो। चली जाओ। सच? आप कितने अच्छे हैं। ये क्या कह रहा है तू? बहू ऐसे गुल खिलाएगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तो क्या तुम अनिल को पागल समझ रही हो जो बहू पे झूठा इल्जाम लगाएगा? इसने अपनी आंखों से उस लड़के को बहू के साथ खुसर फुसर करते देखा है। अब क्या करना चाहिए? अब तो बस उसे फौरन इस घर से भिजवा दीजिए। मैं उसे एक पल भी अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता। आप लोग इतने चुप क्यों हैं? आप समझी, मैं भैया के घर जा रही हूँ इसलिए उदास हो ना। माँ जी, इस दुनिया में शायद ही मेरे जैसी कोई बहू किस्मत वाली होगी जिसे आप जैसी सास मिली। अच्छा माँ जी, चलती हूँ। भैया के घर जा रही हो या अपने प्रेमी के पास? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? खबरदार मुझे माँ कहा तो। कितने दिनों से ये नाटक चल रहा है? माँ जी आप, हमने तुझे अपनी बेटी की तरह सर आंखों पर बिठाया और तूने हमारी ही आंखों में धूल झोंक दी। माँ जी आप क्या कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ताजमहल का पता पूछने वाला वो लड़का कौन था? मैं नहीं जानती। तो जब भी मुझे तुम्हारी तरफ आते हुए देखता था तो क्यों चला जाता था? मुझे नहीं मालूम। फिर ये फोटो तुम्हारी अलमारी में कैसे आई? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। अब ज्यादा सती सावित्री बनने का नाटक मत कर, ये सब तेरे शादी से पहले का चक्कर है। और शादी के बाद भी तू उससे मिलती रही, और जब मेरी नजर पड़ी तो फौरन बहाना बना लिया कि वो ताजमहल का पता पूछ रहा था। चली जाए। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। वो आदमी कौन है? उसने मुझसे क्यों बात की? उसकी तस्वीर मेरे अलमारी में कैसे आई? मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती मैं। हम अपने बेटे के हाथों मजबूर हैं, वरना इस घर से तेरी लाश ही निकल पाती। चली जा यहाँ से। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। चली जा। ए, तेरा भाई आ रहा है, अब रोने का नाटक बंद कर। आओ बेटे। आओ बेटे आओ। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। बस 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 बस, तू ठीक है ना? बेटे हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन था कि सुधा के बारे में खुशखबरी सुनते ही तुम फौरन चले आओगे और इसे ले जाओगे। हाँ। बहू की जिद पर हम उसे तुम्हारे घर भेजने ही वाले थे कि तुम खुद ही आ गए। जी जी। अरे ये जीजा बाबू कुछ नाराज से लग रहे हैं। बेटे वो क्या है कि बीवी से अलग होने का गम किसे नहीं होता। बेटी शुभ मुहूर्त के अनुसार तुम्हें अब इस घर से निकलना चाहिए, नहीं तो अशुभ घड़ी की छाया पड़ जाएगी। ए पगली, ऐसा नहीं कहते। बोलो माँ जी, मैं जल्दी आऊंगी। क्या हुआ? लो देखो भला, लड़कियां ससुराल जाते हुए रोती हैं और ये है कि मायके जाते हुए रो रही है। विदा होते समय रोया नहीं करते, अशुभ होता है। हाँ। अच्छा माँ जी, अच्छा बाबूजी। जीते रहो बेटे। चल मुन्नी, चल। ठीक
दुनिया की किसी भी समस्या का हल मौत नहीं है। खुद को मिटाने से तो अच्छा है उस समस्या को मिटा दो। मुझे बताओ बात क्या है? मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर ये ताजमहल का पता पूछने वाला अपने आप पैदा नहीं हुआ, उसे जरूर पैदा किया गया है। लेकिन तुम अपने भैया को ये बात क्यों नहीं बताती? मैं जाकर उन्हें बताती। नहीं चित्रा, तुम नहीं जानती, अगर भैया को पता चल गया कि उनकी बहन पे किसी ने उंगली उठाई है तो उस इंसान का गला घोंट देंगे, भले इसके लिए वो फांसी पे क्यों ना चढ़ जाएं। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अपने भैया की कलाई पे राखी बांध सकूं? लेकिन सुधा, तुमको इस तरह घुट घुट कर मरते हुए भी तो नहीं देख सकती। चित्रा, मैं तुम्हारी मांग में अपने भैया के नाम का सिंदूर देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं यह जहर ऐसे पीऊंगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सुधा, मुझे वचन दो कि तुम ये बात भैया को कभी नहीं बताओगी, प्लीज चित्रा। ठीक है। अरे अगर भाग्या का लेख लिखना ब्रह्मा का स्कूल है तो उसे उल्टा कर देना मेरा स्कूल है। आप जानते हैं आज क्या हुआ? आई, ये टेलीफोन दाएं कान में लगा रखा है, आवाज बाएं कान से आ रही। साहब, आज हमारी गाय ने अपना दूध खुद ही पी लिया। अरे तेरा सत्यानाश हो, तेरे बाप का सत्यानाश हो, तेरी माँ का सत्यानाश हो। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई तुम्हें नहीं कह रहा, यहाँ मेरे कान को फ्राई करके खाने वाला एक जानवर मौजूद है। हाँ तो बोलो, तुमने फोन क्यों किया है? साहब, हमारे घर के कुत्ते ने 3 बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया। तू मेरे कान को कान खजूरे की तरह क्यों खाया जा रहा है? क्या मैं कान खजूरा? अरे भाई तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। हाँ बोलो, फोन क्यों किया है? बट बात यह है, आपकी दया से बहू हमेशा के लिए घर छोड़ के चली गई, दूसरी शादी भी पक्की हो गई, तो कहना यह है आपसे कि शादी में जरूर हाजिर होइएगा विदाउट फेल। सॉरी, कल्याण सिंह ने किसी के कल्याण में ना जाने की कसम बचपन में ही खा ली थी। हाँ, हाँ अगर किसी नए घर में आग लगानी हो तो फोन जरूर करना। हाँ ओके। साहब, हमारे घर की छत के ऊपर कचरा जम गया है। अबे उल्लू के पट्टे, वहाँ कचरा नहीं जमेगा तो और क्या जमेगा? दुनिया भर की बेकार खबरें मेरे कान में सुना सुना कर तूने मेरे कान में खून भरा। देखो साहब, देखो देखो देखो, आपके